हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उस पर मतलब ये क्वेश्चन नंबर मैंने शायद आपको 6.28 तक कराया था, यस सॉरी 6.26 तक कराया था। एडिशनल एक्सरसाइज में 6.26 तक हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 6.27 पर। नाउ क्वेश्चन इज 6.27, ये आपको पेज नंबर 138 पर मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। अ बोल्ट ऑफ मास 0.3 किलोग्राम है ना, अ बोल्ट ऑफ मास 0.3 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर मूविंग डाउन विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड। इट हिट्स द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। लेंथ ऑफ द एलिवेटर इज 3 मीटर। देखिए ये हमारे पास एलिवेटर है, यहां से वो बोल्ट गिरता है यहां पर। कितनी हाइट से गिरता है वो? 3 मीटर की हाइट से गिरता है। सो एच विल बी इक्वल टू वी कैन से 3 मीटर पर सेकंड है ना, नो सॉरी 3 मीटर ओनली, 3 मीटर ओनली। अब देखिए यहां पर और एंड डज नॉट रीबाउंड। What is the heat produced by this impact? बहुत सिंपल है देखिए, यहाँ पर हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर जितना वर्क करेगा ना, वो पूरा के पूरा वर्क इस पर कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर हीट एनर्जी में। सो W इज इक्वल टू वी कैन से MgH। सो W इज इक्वल टू 0.3 इंटू वी कैन से 10 इंटू वी कैन से 3। So W is equal to we can say 9 joule। अब ये 9 joule जितना वर्क डन हुआ किससे? तो 9 joule जितना वर्क डन हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स से, और हीट प्रोड्यूस कितनी होगी? So heat will be equal to we can say 9 joule। अब हीट, अब ये क्या होगा? तो देखिए रीबाउंड नहीं हो रहा, तो चाहे लिफ्ट स्टेशनरी हो या मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये क्या है? ये जो है अगर आप देखोगे तो ये लिफ्ट स्टेशनरी हो या मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तभी भी अमाउंट ऑफ वर्क डन उतना ही होगा कितना, 9 जूल जितना, और हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी, 9 जूल जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी है ना। तो इस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और क्वेश्चन को लिखिए। उसके बाद जो है हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास ये है, अ ट्रॉली ऑफ मास 200 किलोग्राम मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रेक। अ चाइल्ड ऑफ मास 20 किलोग्राम रन्स ऑन द ट्रॉली फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द ट्रॉली इन द डायरेक्शन ऑपोजिट ट्रॉली इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन and jumps out of the trolley. What is the final speed of the trolley? How much has the trolley moved from the time the child begins to run? Question बहुत बढ़िया है। Question को पढ़िए, एक बार question को पढ़िए, सभी लोग question को पढ़िए। अब question को पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहाँ पर जो है एक trolley है and the trolley is moving. Trolley कितने मूव कर रही है यहाँ पर? 200 किलोग्राम। सपोज ये ट्रॉली जो है इसको हम लोग M1 कहते हैं। सो ट्रॉली का मास होगा हमारे पास 200 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी आपके पास U1। सो सपोज यू वेलोसिटी इज 36, तो ये वाला कितना हो गया आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। ये वाला आपके पास हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अ चाइल्ड ऑफ मास, देखिए यहाँ पर एक चाइल्ड है, इसका मास कितना है 20 किलोग्राम। रन्स ऑन द ट्रॉली फ्रॉम वन एंड टू अनदर 10 मीटर अवे विद द स्पीड ऑफ, मतलब चाइल्ड की स्पीड कितनी है? तो उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है? एंड द जंप्स आउट ऑफ द ट्रॉली, व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली? ट्रॉली की फाइनल स्पीड क्या होगी? तो देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो है ये चाइल्ड कहां पर है? इस ट्रॉली पर है ना। तो हम लोग ये पूरी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम हम लोग करेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द
द सिस्टम। चलिए बताइए इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, तो ये वाला होगा, देखिए ये चाइल्ड भी ट्रॉली के साथ ही जा रहा है, चाइल्ड भी तो ट्रॉली के साथ ही जा रहा है ना, तो उसका इनिशियल मोमेंटम होगा m1 प्लस m2, मतलब ये दोनों का मास इनटू की कैंसिल u1, इतना जो है हमारे पास हो जाएगा। कोई बोला है ये जो है ट्रॉली के अंदर घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो ये चाइल्ड के मोमेंटम पे कुछ फर्क होगा, लेकिन एज ए मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम हम लोग लेंगे ना, पूरी सिस्टम का मोमेंटम अगर हम लोग लेंगे ना, तो पूरी सिस्टम ही 10 की स्पीड से जा रही है। देखिए चाइल्ड को भूल जाइए, मतलब चाइल्ड को आप ऐसा समझिए कि वो सिस्टम का एक पार्ट है, तो हम लोग पूरी सिस्टम का, पूरी सिस्टम के अंदर इंटरनल कुछ भी चेंजेस हो रहा हो, है ना, ये वाले सिस्टम के अंदर पूरी कुछ भी चेंजेस हो रहा हो, लेकिन ये पूरी सिस्टम तो 10 की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, यस, तो ये वाला हमारे पास इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास ये ट्रॉली 200 की, ये 20 की, और ये वाला हमारे पास हो जाएगा 10। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 220 और 80, ये मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये वाला हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब ये वाला हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ गया, अब क्या कर रहा है वो चाइल्ड यहां पर कूद रहा है, बस सेकंड टाइम में क्या कर रहा है चाइल्ड जो है उस ट्रॉली से कूद रहा है, तो चाइल्ड जो है अब ट्रॉली से कूदेगा बाहर की तरफ, तो वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। अब सिस्टम कितनी रही, तो हमारे पास एक ट्रॉली रही, है ना, तो सपोज इफ द फाइनल स्पीड, इफ द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली, अगर फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली इज सपोज v', है ना, तो फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली इज सपोज v', तो अब जो है ये अगर ये कूदा, ये चाइल्ड कूदा, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो फाइनल मोमेंटम होगा हमारे पास m1 v', फाइनल स्पीड, है ना, और ये चाइल्ड जो है अगर ये 4 की स्पीड से दौड़ रहा था, फॉर एग्जांपल यहां पर, तो ये 4 की स्पीड से दौड़ रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम कितना होगा m2। अब देखिए 10 की स्पीड से ट्रॉली उसको ले जा रही थी, उसको 10 की स्पीड से ट्रॉली ले जा रही थी, और वो अपनी जो है 4 की देख 10 की स्पीड से नहीं, सपोज फाइनल स्पीड उसकी v' है, v' की स्पीड से जो है ये ले जा रही थी उसको, और वो अपनी 4 की, अपनी खुद की जो है उसकी स्पीड थी, है ना, तो ये 4 जो है उसमें से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब क्या होगा, देखिए यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा इस डायरेक्शन में दौड़ रहा था, वो कूदा इस डायरेक्शन में ट्रॉली से कूद गया, है ना, तो ट्रॉली से अगर कूद गया तो इसकी स्पीड, मतलब बच्चे की जो स्पीड थी वो ट्रॉली से तो 4 मीटर पर सेकंड कम थी ना, आप इमेजिन कर पा रहे हो, है ना, तो ये 4 की स्पीड कम थी, तो यहां पर हमारे पास फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, सो फाइनल मोमेंटम आपके पास 200 v', और m2 क्या आ जाएगा, सो m2 जो है अगर आप देखोगे तो ये वाला 20 और यहां पर v' माइनस 4, है ना, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या आ जाएगा 200 v' प्लस 20 v' माइनस आपके पास आ जाएगा 80। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 और ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। सो नाउ PI इज इक्वल टू वी कैन से PF, तो 2200 इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा 220 v', है ना, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 22 v' और ये वाला माइनस 80 हो जाएगा। अब ये वाला आ गया आपके पास 2200 डिवाइडेड बाय सॉरी प्लस 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 220 v', ये वाला कितना आ गया 2280 इस इक्वल टू 220 v', ये वाला आ गया। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, तो ये वाला v' इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 220, तो ये v' अगर आप ढूंढोगे ना तो दिस टू विल गेट कैंसिल, और नहीं ये 2280 सॉरी ये 80, तो ये वाला आ जाएगा आपके पास 2280 डिवाइडेड बाय 22। अगर आप इसका डिवीजन करोगे ना तो कैलकुलेटर है मेरे पास, तो ये वाला अगर आप इसका डिवीजन करोगे तो ये डिवीजन आ रहा है आपके पास v' इज इक्वल टू 10.36 मीटर पर सेकंड, आपको दिख रहा है 10.36 मीटर पर सेकंड, नहीं दिख रहा शिट,
चलिए तो ये वाला देखिए, मैं वापस आपको करा दूं, तो ये वाला देखिए यहाँ पर, तो ये वीडर्स को अगर हम लोग ढूंढेंगे तो इन दोनों का डिवीजन हो जाएगा, तो फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली विल बी इक्वल टू 10.36 मीटर पर सेकंड इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली, है ना। तो ये वाला जो है हमारे पास आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए इसके अंदर जो है उसकी फाइनल स्पीड आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन, ये पूरे इसको नोट बनाइए, वीडियो को पॉज करके नोट बनाइए, है ना। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उस आगे का क्वेश्चन जो है वो अगर हम लोग ढूंढेंगे यहां पर कि व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली, हाउ मच हैज द ट्रॉली मूव फ्रॉम द चाइल्ड, फ्रॉम द चाइल्ड बिगन टू रन। अब चाइल्ड की अपनी खुद की स्पीड क्या थी, तो चाइल्ड की अपनी खुद की स्पीड थी 4, है ना। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसको टाइम कितना लगा, तो टाइम इज इक्वल टू d2 बाय u, है ना। तो टाइम d2 इज इक्वल टू d2 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वाला उसके पास कितना हो गया, हमारे पास 2.5 सेकंड। अब 2.5 सेकंड में वो ट्रॉली ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रॉली, अब ये वाला हो गया हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रॉली विल बी इक्वल टू, वी कैन से रिवर्स इनटू टी, तो ये वाला 10.36 इनटू 2.5, ये वाला कैलकुलेशन कर लेना जो आए वो आपका आंसर, मतलब इतना डिस्टेंस जो है उसने ट्रैवल किया होगा। ओके बेटा, सो ये वाला हमारे पास उसका आंसर आ गया। अब इसको वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6.29 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी को, देखिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को आपको वी दिया हुआ है, कॉस इन फिगर 6.18 कैन नॉट पॉसिबली डिस्क्राइब द इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बॉल्स, हियर आर इज द डिस्टेंस, है ना। तो ये वाली विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी कॉस इन द फिगर 6.8 पॉसिबली डिस्क्राइब द इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बिलियर्ड बॉल्स, हियर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉल। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अच्छी तरीके से, क्वेश्चन को आप एक बार उसको पढ़िए, ठीक है, फिर हम लोग आगे इसके अंदर देखते हैं। अब देखिए यहां पर कर लिया आप लोगों ने इसको, क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब देखिए यहां पर हम लोग इलास्टिक कोलिजन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे वापस कि क्या होगा जब टू बॉल्स का इलास्टिक कोलिजन होगा। यहां पर बॉल नंबर 1 है, यहां पर बॉल नंबर 2 है, ये बॉल कैसे जाता है, ये बॉल कैसे जाता है, दोनों टकराते हैं, है ना। द टू बॉल स्ट्राइक्स टुगेदर, अब यहां पर अगर स्ट्राइकिंग होता है तो फिर बाकी ये बॉल दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब क्या होता है यहां पर काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी पे यहां पर पूरा के पूरा जो है आप देखोगे यहां पर पूरा के पूरा उसका कन्वर्जन हो गया। यहां पर थोड़ा सा शेप भी चेंज होता है, यहां पर थोड़ा सा बॉल का शेप भी चेंज होता है और ये वाला जो है ये वापस अपनी तरफ जाता है, मतलब इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों बिल्कुल सेम हो जाती है। अब अगर ग्राफ को देखा जाए ना बेटा, तो ये सारे ग्राफ में से मुझे ग्राफ नंबर 5 दिख रहा है। देखिए यहां पर क्या होगा कि जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो तब जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर दोनों सिस्टम, ये सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर देखोगे तो कम होगी बॉल की बढ़ेगी, मतलब ये वाली जो है पोटेंशियल एनर्जी आपकी बॉल की नहीं बात करें, हम लोग यहाँ पर पूरे सिस्टम की बात करेंगे। तो ये सारी के सारी जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टार्टिंग में जो है आपके पास यहाँ पर बढ़ेगी और फिर बाद में जो है ये कम होगी, तो लेकिन यहाँ पर 2 पर तो सिर्फ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना। तो इलास्टिक कोलिजन में अगर आप दो कंडीशन देखोगे इलास्टिक कोलिजन की, तो ये दोनों कंडीशन ऐसी है,
कि शेप जो होता है देखिए ये हाँ, अगर आप देखोगे मैं आपको ऐसे समझाऊं कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी, हम लोग आगे पढ़ेंगे एक फॉर्मूला है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ये वाला है हमारे पास फॉर्मूला माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना ये अभी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूं कि यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, और इसका जो ग्राफ होगा ना वो ग्राफ हमको ऐसे ही मिलेगा, ये ग्राफ जो है पोटेंशियल एनर्जी का हमको ऐसे ही मिलेगा। और ये ग्राफ मुझे ग्राफ नंबर फाइव में ही दिखाई देता है, मतलब ग्राफ नंबर फाइव में ही ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो बाकी के वन टू थ्री फोर एंड सिक्स ये वाली पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक कोलिजन की नहीं बता सकते, यहाँ पर जो इलास्टिक कोलिजन की पोटेंशियल एनर्जी को नहीं बता सकते। तो ये वाला जो है ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करता है, जो ग्राफ नंबर आपके टेक्स्ट बुक में है फाइव, ये जो है करेक्टली रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके अलावा जो है दूसरे ग्राफ जो है ये करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करते कोलिजन बिटवीन द टू बिलियन पोल्स। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6.30 को, कंसिडर द डीके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन एट रेस्ट, न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, शो दैट द टू बॉडीज डीके, शो दैट द टू बॉडी डीके ऑफ दिस टाइप मस्ट नेसेसरीली गिव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फिक्स्ड एनर्जी एंड देयरफॉर कैन नॉट अकाउंट फॉर द ऑब्जर्व कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बीटा डीके ऑफ न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। ये सारा क्वेश्चन जो है ना आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। नॉट देखिए यहाँ पर सिंपल रिजल्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज वॉज वन ऑफ द सेवरल आर्ग्यूमेंट्स एडवांस बाय डब्ल्यू पॉली टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड पार्टिकल इन द डीके प्रोडक्ट्स ऑफ बीटा डीके, दिस पार्टिकल इज नॉन एज न्यूट्रिनो। हाँ ये सही है, वी नो that it is the particle of intrinsic spin 1/2 like electron, proton or neutron, but it is neutron and either masses having extremely small mass compared to the mass of the electron and which interacts the very weakly with matter, the correct decay process is okay। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सही तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए बेटा आपने ये क्वेश्चन को पढ़ा, क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आया? देखिए यहाँ पर आपको दिखा है कि बीटा डीके ऑफ न्यूट्रॉन और बीटा डीके ऑफ न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। अब एक्चुअली जो है ना हम लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में जो है वो अगर डिसइंटीग्रेट होगा तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर आप प्रोड्यूस करते हो या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि ये इक्वेशन जो है ये करेक्ट नहीं है, इसको हमको प्रूव करना है। तो हम क्या करें, हम देखिए मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6747 इंटू 10^-27 किलोग्राम इतना होता है, इतना होता है 1.6747 एंड मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.6724 इतना होता है, 1.6724 इतना होता है इंटू 10^-27 किलोग्राम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी आपको याद रहेगा, 9.4 मुझे याद है आपको भी याद रहेगा, है ना। अगर याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, दे विल प्रोवाइड यू दिस इंफॉर्मेशन, है ना, जो हमारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10^-31 किलोग्राम। अब इसका जितना मास है उतना ही मास इसका होना चाहिए ना। तो देखिए अगर हम लोग जो है यहाँ पर देखें मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, अगर हम लोग देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग इसमें इंक्लूड करें तो 31 है ना, ये दोनों का एडिशन का बनेगा जब ये 37 होगा, ये 0.000 है ना, 0009
11 इंटू 10 इज टू माइनस 27 किलोग्राम, 1, 2, 3, 4 सही हो गया। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्या ये दोनों का एडिशन करोगे इतना बनेगा? नहीं बनेगा, करके देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों का अगर एडिशन किया जाए तो 1.6724 प्लस 0.0000011 है ना, और 10^27 तो दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 10^-27 रख देंगे। अगर इसका एडिशन किया जाए तो ये वाला हो जाएगा 13 और ये वाला हो जाएगा 3, ये वाला 6, ये वाला सही। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना बना? इतना बना, 1.6732। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, मतलब कि सर्टेनली देयर इज गोइंग टू बी अ मास डिफेक्ट, है ना, ये मास डिफेक्ट है। अब ये मास, कुछ मास गायब हो रहा है, कुछ मास जो है गायब हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपने मास कितना दिया था, 1.6747, आपको मिला क्या 1.6331, है ना, तो मास की डिफेक्ट हो रही है, मतलब मास गायब हो रहा है, तो मतलब ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। इस इक्वेशन को करेक्ट करना है तो हमको एक एनर्जी पार्टिकल और लगाना पड़ेगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो ये क्या होगा, न्यूट्रिनो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नॉट एस न्यूट्रिनो, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो कहते हैं। तो ये न्यूट्रिनो जो है उसमें डेवलप होगा, मैं शायद आपको नहीं दिखाई दिया होगा, मैं वहां पर लिख देता हूँ, आगे वाला हो जाता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस विटेंसन न्यूट्रिनो। तो ये न्यूट्रिनो जो है ये एनर्जी पार्टिकल है, ये कितनी एनर्जी लेता है, ये जितनी मास डिफरेंट होती है ना उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना उसका मेजर पार्ट ये ले लेता है, उसका मेजर पार्ट ये ले लेता है ना। तो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, ओके। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 खत्म हुआ। मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना।